Good day to everyone. Welcome back to my channel. If you really like my videos, don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड डे टू एवरीवन। आज हम बनाएंगे पंजाब का फेमस ब्रेकफास्ट मक्की की रोटी। मक्की की रोटी सादा भी बनाई जाती है और मेथी के साथ भी बनाई जाती है। इसमें आलू की स्टफिंग भी की जाती है। आज हम मेथी के साथ मक्के की रोटी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने मेथी ली है, हाफ पंच मैंने मेथी ली है, बारीक कट कर ली है। ग्रीन चिली पेस्ट है, सॉल्ट है, रेड चिली है और मकई का आटा लिया है मैंने। और ये बॉयल वाटर का मैं यूज़ करूँगी। देखिए बॉयल वाटर है। सबसे पहले आटे में मैं मेथी ऐड करूँगी। मेथी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ग्रीन चिली पेस्ट है, 2 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाला है। आप कम या ज़्यादा स्पाइसेस ले सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट का यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 6 से मैं इनको मिक्स करूंगी। हाथ के साथ ही हम मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स होगा। ऐसा ऐसा हम अब मेथी इसमें मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से हम मेथी को आटे के साथ मिक्स करेंगे। बॉयल वाटर का मैं यूज़ करूँगी। पानी जितना अच्छा हॉट होगा उतनी ही नरम रोटी बनेगी। देखिए मैं बॉयल वाटर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। एक साथ हम पानी का बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना ही हम पानी यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ बॉयल वाटर और उसे मिक्स करती जा रही हूँ। मैं हाथ के साथ इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करूँगी। मुझे 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह हाथ से अपनी हथेली से मिक्स करना है, तभी मेथी हमारे आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब एक पेड़े के जितना आटा हम साइड पे लेंगे, उसे अपनी हथेली की मदद से अच्छे से गूंदेंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से हमें इसे गूंदना है। तब तक अब हम आटा इसे हथेली की मदद से गूंदेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। हमारा आटा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। ये इस तरह से हम इसे, ये देखिए इस ट्रिक से हम इसका पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए हमारा पेड़ा रेडी हो गया। अब हम रोटी बनाएंगे। थोड़ा डिफरेंट है इसका रोटी बनाना। ये देखिए इस तरह से हम इसे हाथ की मदद से बड़ा कर लेंगे। इसका दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा, आपसे नहीं बनाया जाता, तो आप एक प्लास्टिक के ऊपर ऑयल लगाएंगे और पेड़े को उसके ऊपर रख के हाथ से बेल लेंगे। इस तरह से देखिए
बारीक सा रोटी बना लेंगे। तवे को गर्म होने के लिए रख दिया मैंने, मीडियम फ्लेम पे तवा गर्म करेंगे। रोटी को तवे के ऊपर हिला देंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हमें पहले एक साइड को पकने देना है, 2 से 3 मिनट तक हम एक ही साइड से पकाएंगे रोटी को। अब हम रोटी को पलटेंगे, हमारी रोटी एक साइड से पक चुकी है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ठीक कर दिया है। हमारी रोटी रेडी हो गई है, इसे हल्का हल्का घुमाते जाएंगे और सिकाई करते जाएंगे। थोड़ा सा बटर या फिर घी ऑयल कुछ भी जो आपको पसंद हो आप रोटी के ऊपर लगा कर इसे अच्छा सा पराठा बना सकते हैं। मैंने बटर का यूज़ किया है। हमारी रोटी रेडी हो चुकी है, देखिए हमारी मक्की की मेथी वाली रोटी रेडी है। इसे हम दही के साथ सर्व करेंगे। पुदीने की चटनी वाला दही भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हमारी रोटी अब रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।